जर्मनी के एक जूता फैक्ट्री के मजदूर के घर जन्मे एडोल्फ डेस्लर उर्फ एडी के विश्वविख्यात कंपनी एडिडास की स्थापना तक का सफर रोचक और उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। उनका बचपन हेरजोगन आर्च में बीता। हेरजोग का अर्थ है राजा या ड्यूक और आर्च एक नदी है। इस नदी का एडोल्फ की कहानी से गहरा संबंध है। एडिडास के संस्थापक एडोल्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाले पूमा के संस्थापक रुडोल्फ डेस्लर के छोटे भाई थे। हेलो दोस्तों, उपस्थित हूँ आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टार्टअप स्टोरी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। करीब 125 साल पहले न्यूरेमबर्ग जर्मनी के एक छोटे से कस्बे हरजोजे नॉर्च में एक शू फैक्ट्री में क्रिस्टन डेस्लर नाम का व्यक्ति जूते की सिलाई करता था। पत्नी पाओलिन वहीं एक छोटी सी लॉन्ड्री चलाया करती थी। इस दंपति के दो बेटे थे, एक एडोल्फ दूसरा रुडोल्फ, जिन्हें प्यार से एडी और रूडी बुलाया जाता था। दोनों भाई अच्छे खिलाड़ी थे। पिता द्वारा बनाए गए स्पोर्ट्स शू की फिटिंग से एडी कभी खुश नहीं हुआ। वह सोचता है कि ऐसे शूज पहनकर कोई खिलाड़ी मैदान में कैसे अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। कम उम्र में एडोल्फ जूते बनाने लगा था। खेल के मैदान में यह शू एडी को अत्यधिक सुविधाजनक लगे तो वह अपने मित्रों के लिए यह शू बनाने लग गया, जिन्हें खूब पसंद किया गया। इससे पहले कि वे फैक्ट्री ज्वाइन करते, पहला युद्ध शुरू हो गया। एडोल्फ ने जर्मनी की ओर से लड़ाई लड़ी। पहले विश्व युद्ध से लौटने के बाद उन्होंने अपनी माँ की लॉन्ड्री में स्पोर्ट्स शूज बनाना शुरू किया। बतौर सैनिक हार का सामना कर चुके एडोल्फ कुछ ऐसा करना चाहते थे कि हार के कलंक को मिटा सके। उनके पिता क्रिस्टोफ और ट्रैक शूज बनाने वाले अन्य भाइयों ने इसमें एडोल्फ की मदद की। 1 जुलाई 1924 को बड़े भाई रुडोल्फ डेस्लर के साथ एडोल्फ ने अपनी डेस्लर ब्रदर शू फैक्ट्री शुरू की। अपने बनाए शू की लोकप्रियता को देखते हुए एडी ने भाई रूडी के साथ स्पोर्ट शूज बनाने का कारखाना लगाने का निर्णय किया। लेकिन पैसे नहीं थे। दोनों भाइयों ने माँ की लॉन्ड्री को अपना वर्कशॉप बनाया, जहाँ बिजली नहीं मिलने पर वे स्टेशनरी साइकिल के पेडल पावर से बिजली पैदा करते थे। इस तरह जब एडी और रूडी ने थोड़ा पैसा कमाया तो 1 जुलाई 1924 को उन्होंने डासलर ब्रदर नाम की एक कंपनी का गठन किया, पर राजनीतिक कारणों से अलग हो गए। 1928 के ओलंपिक में डेस्लर ने कई खिलाड़ियों के लिए सामान बनाया, इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। 1936 में बर्लिन में समर ओलंपिक के दौरान डेस्लर ने अमेरिकी एथलीट जेसी ओवेंस के लिए शूज और अन्य सामान बनाया। जेसी ने एडी के जूते पहनकर 100 मीटर 200 मीटर और 4x100 मीटर की रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता और लॉन्ग जंप में भी गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। जेसी के इस प्रदर्शन ने एडी के जूते भी मशहूर कर दिए। इस बीच जर्मनी में हिटलर का उभार हुआ। इसके साथ ही डेस्लर बंधुओं के बीच खाई बढ़ना शुरू हो गई। शुरू में दोनों भाई ने नाजी पार्टी के सदस्यता ली। इसके बावजूद रुडोल्फ साम्यवादियों के ज्यादा करीब होते गए। वे साम्यवादी दस्ते में शामिल हुए, लेकिन नाजी पार्टी ने उन्हें पकड़ लिया। इधर नाजी की सदस्यता की आड़ में एडी जूता बनाने का काम करते रहे। नाजी के पतन के बाद अमेरिकी फौज ने एडोल्फ को हिरासत में लिया, बाद में छोड़ दिया। 1948 तक दोनों भाइयों के बीच खाई चौड़ी होती गई। रुडोल्फ अपने ही कस्बे के आर्च नदी के दूसरी तरफ बस गए और उन्होंने अपनी कंपनी पूमा शुरू की। नदी के दूसरी ओर एडोल्फ ने अपने निक नेम एडी के आधार पर कंपनी का नया नाम एडिडास रख लिया। इस तरह 1924 की डेस्लर ब्रदर शू फैक्ट्री का नाम 1948 में एडिडास हो गया। दोनों भाइयों के कंपनी के बीच नदी एक लकीर के रूप में आज भी मौजूद है। 1978 में एडोल्फ के निधन के बाद उनके बेटे होर्स्ट और उनकी पत्नी कैथी ने एडिडास का प्रबंधन संभाला। 1987 में उनके बेटे होस्टर की मृत्यु के बाद 1989 में एडिडास को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। आज एडिडास 71,600 करोड़ रुपए की कंपनी है और इसमें 51,000 कर्मचारी काम करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी कहानी, हमें जरूर बताएं। इस प्रकार की मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल हिंदी स्टोरी अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।